पड़वाह में लगातार नर्मदा नदी को छलन किया जा रहा है। यहाँ जेसीबी मशीनों के माध्यम से सैकड़ों डंपर रेत निकाली जा रही है। खनिज विभाग के अधिकारियों को सारी जानकारी है, लेकिन वह कुंभकर्ण की नींद में सोए होने का नाटक कर रहे हैं और रेत माफिया मनमाफिक रूप से नर्मदा को छलनी कर रहे हैं। शासन प्रशासन का भी ध्यान इनकी ओर नहीं है। खरगोन में इन दिनों बड़वा खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मतदान और मतगणना की तारीखें भी तय हो गई है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। प्रशासनिक अधिकारी उपचुनाव में व्यस्त है। इसी का फायदा उठाकर रेत माफिया व ठेकेदार के कर्मचारी मनमानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिले में आर के गुप्ता कंस्ट्रक्शन ने रेत का ठेका लिया है, जिन्हें खनिज विभाग ने रेत मुहैया कराने के कुछ स्थान चिन्हित कर दिए हैं, लेकिन रेत ठेकेदार के कर्मचारी इन स्थानों की बजाय अन्य स्थानों से रेत निकाल रहे हैं, जिससे खनिज विभाग के राजस्व को चूना लग रहा है। तो वहीं अधिकारियों ने भी अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जाहिर है कि खनिज विभाग के अधिकारियों की रेत माफियाओं से जमकर साठगांठ है, जिसका नतीजा है कि ठेकेदार के कर्मचारियों की हौसले बुलंद है, उन्हें किसी का भी डर नहीं है। दरअसल रेत माफियाओं ने नावघाट खेड़ी, गंगात खेड़ी और कपा स्थल को अवैध रेत उत्खनन का अड्डा बना रखा है। उनके द्वारा पोकलेन और जेसीबी से अवैध उत्खनन करते हुए रेत निकाली जा रही है। जब मीडिया कर्मियों ने इन स्थानों का निरीक्षण किया तो पोकलेन और जेसीबी से रेत निकाली जा रही है। मीडिया कर्मियों को देखकर रेत ठेकेदार के कर्मचारी मौके से भाग गए। उन्होंने पोकलेन और जेसीबी भी हटा ली है। यह काम कई समय से चल रहा है, लेकिन खनिज विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर टोकन का खेल भी फर्जी रूप से पिछले लंबे समय से चल रहा है। रेत ठेकेदार के कर्मचारी ट्रैक्टर चालकों को रेत निकालने के बाद टोकन दे रहे हैं, जबकि इस टोकन को पहले ही खनिज अधिकारी सहित एसडीएम फर्जी साबित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर रोक नहीं लगाई गई है। अगर खनिज विभाग की दबिश के दौरान कोई ट्रैक्टर पकड़ाता है और वह अधिकारियों को टोकन दिखाता है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अधिकारियों द्वारा फर्जी घोषित इस टोकन का खेल केवल रेत ठेकेदार के कर्मचारियों तक ही सीमित है। ऐसे में ट्रैक्टर पर कार्यवाही तो होगी, साथ ही जुर्माना भी लगेगा। भले ही खनिज विभाग ने रेत निकालने के लिए स्थानों का चयन किया हो, लेकिन ठेकेदार इन नियमों को कितना मान रहे हैं इसका अंदाजा तो मौके पर जाकर ही पता चलेगा। एक तो नियम के विरुद्ध काम और दूसरा मशीनों से निकाली जा रही है रेत। एक ओर खनिज विभाग को राजस्व का चूना तो दूसरी ओर स्थानीय मजदूरों को नहीं मिल रहा काम। अधिकारियों से जब इस संबंध में बात की जाती है तो उनका कहना रहता है कि यह टोकन देने का काम फर्जी है, खनिज विभाग की टीम कार्यवाही करने आती है। कई बार इन पर कार्यवाही भी होती है और कई बार तो ठेकेदार के कर्मचारियों को खबर लग जाती है, जिससे वे भाग जाते हैं। अगर मशीनों से रेत निकाली जा रही है तो कार्यवाही जरूर की जाएगी। इस बात की पुष्टि खुद जेसीबी चालक कर रहे हैं, वहीं मजदूरों ने भी अपनी पीड़ा बताई है। ये जो ट्रैक्टर में आप रेती लाए हो, ये कहाँ से लाए? कौन सी खदान? अच्छा, कौन चला रहा है? तो तुम फिर ये क्या, इसका पैसा वैसा किसको देते हो? मुनीम बैठा है। कितने पैसे देते हैं? 1500 रुपये। काहे के रहते है ये? मशीन का माल। नहीं तो ये पैसे काहे के 1500 रुपये दे रहा हो आप? माल के। और इसका क्या टोकन भरता है, रॉयल्टी हटती है? टोकन सेठ के ऊपर रहता है। सेठ के ऊपर रहता है। टोकन में क्या रहता है? वो सेठ ही बात कर लेता है ना, पैसे क्या देना लेना उनको। और अगर इसमें कोई अधिकारी पकड़ ले तो ट्रैक्टर? उनकी रिस्क है, रॉयल्टी वालों की। रॉयल्टी वालों की रिस्क रहती है। तो रॉयल्टी है कि नहीं तुम्हारे पास इसकी? टोकन भरवाऊंगा ना, उनका जाके बात करता हूं। टोकन भरवाओगे? क्या नाम है आपका? बाल सिंह कुशल। आप ट्रैक्टर चलाते हैं यहाँ पे? हाँ, अपना चलता है। ट्रैक्टर चलता है तो आपको टोकन कितना ले लिया जाता आपसे? टोकन अभी 1200 है, पहले 1400 थे। पहले 1400, आप 1200 रुपये। इसमें इनकी कोई रिस्क रहती है? जैसे मान लो अधिकारी रिस्क तो वो सबके ले लेते हैं, पर पकड़ाते हैं फिर मिलते नहीं। क्या बोलते हैं? फिर छुड़ाने का बहुत लंबा प्रोसेस बनती है। फिर पैसे किस बात के ले रहे हैं? अब वो तब वो अधिकारी जाने। नहीं, ठेकेदार के आदमी आपसे पैसे किस बात के ले रहे हैं? क्या हमारी खदान है? बस रेत के। हाँ। और इसके कुछ नहीं? हाँ, अभी 2-3 ट्रैक्टर पकड़ा है, सेमल्ला का पकड़ाया था, वो हमारे गंगाखेड़ी में भी पकड़ा था, कालूबिया का। 3-3 महीने में छूटे। इस बारे में अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। क्या बोलते?
इनका हमने बोला होता या तो फोकट आवेद मत चली रहा, हमारी कोई सुनती नहीं। आपको मस काम के लिए काम आपको नहीं देते हैं? नहीं, हमको कहीं भी काम देता। तो सरकारी के एक नियम है कि मशीन से खोद नहीं सकते, उसके बावजूद भी खुदाई कर रहे हैं? हाँ, तो भी खुदाई करी रही। तो आप लोगों ने बोला नहीं इनको? चार चार बार का बोल दिया जमना। आपको काम नहीं मिल रहा? हमको काम नहीं मिलता। फिर अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो आप लोग? बस कहीं भी नहीं है, धाड़की मजदूरी करनू, आधो ट्रैक्टर हेड़ू, घर जानू तो भी छे, तो ट्रैक्टर न को हमारा माल भरा तो नहीं, या मशीन को माल भरा। कोई अधिकारी आ जाता है, शिकायत की आपने किसी को? अरे वो अधिकारी भी आवत तो पैसा लेने जाती रही, हमारी कथा सुनवाई नहीं होती। अधिकारी आते तो ये लोग भग जाते हैं। अब ये आग वाका टेका हुई जाए, थोड़ा बहुत पैसा दे दे जाती रही। दोपहर न्यूज के लिए अशोक कुमार शाह की रिपोर्ट।